बलरामपुर में कथावाचक श्रद्धेय पंडित हरिशंकरानंद शास्त्री द्वारा संगीतमय श्रीमद् भागवत का चल रहे आयोजन के चौथे दिन कथावाचक द्वारा भक्त प्रहलाद की भगवान के प्रति भक्ति का अपने संगीतमय स्वर के साथ सुनाया गया। प्रदेश सरकार द्वारा चलाए जा रहे मिशन शक्ति के तहत महिला शक्ति केंद्र योजना के अंतर्गत दीप नारायण सिंह महाविद्यालय तुलसीपुर में 50 स्टूडेंट्स वॉलंटियर्स का प्रशिक्षण संपन्न कराया गया। विधानसभा चुनाव से पहले तृणमूल कांग्रेस को बंगाल में झटके पर झटके लग रहे हैं। शुक्रवार सुबह बेरकपुर से विधायक शीलभद्र दत्ता ने पार्टी छोड़ने का ऐलान किया। अब दोपहर को अल्पसंख्यक सेल में महासचिव कबीरुल इस्लाम ने भी इस्तीफा दे दिया है। शुक्रवार को उत्तराखंड के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत कोरोना संक्रमित पाए गए। इस बात की जानकारी देते हुए उन्होंने ट्विटर पर लिखा है कि आज मैंने कोरोना टेस्ट करवाया था और रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। गोवा में बीफ की कमी के बाद सूबे के मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत ने कहा कि प्रशासन दो दिन में इस समस्या का हल तलाश लेगा। उन्होंने कहा कि कर्नाटक के गोहत्या विरोध बिल का अध्ययन किया जा रहा है। बीजेपी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष मुकुल रॉय, राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय, सांसद अर्जुन सिंह की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने पश्चिम बंगाल सरकार को नोटिस जारी किया है। कोर्ट ने बीजेपी नेताओं के खिलाफ कार्यवाही पर अगले आदेश तक रोक भी लगाई है। बिहार सरकार ने गांवों का नक्शा निकालने को लेकर पहल की है। अब कहीं से भी किसी भी जिले के किसी गांव का नक्शा हासिल किया जा सकता है। बिहार सरकार के निर्देश पर NIC एक ऐसा सॉफ्टवेयर विकसित कर रहा है। आम आदमी पार्टी के नेता राघव चड्ढा और आतिशी की याचिका पर दिल्ली हाई कोर्ट ने दिल्ली पुलिस को नोटिस जारी किया है। राघव चड्ढा और आतिशी ने उपराज्यपाल और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के आवास के बाहर विरोध प्रदर्शन नहीं करने देने के मामले में दिल्ली हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। मध्य प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा एक बार फिर चर्चा में हैं। भोपाल में मीडिया से बातचीत करते हुए उन्होंने कहा कि अब कोई भी अपराधी मध्य प्रदेश में शरण नहीं ले पाएगा, हम उसे भून देंगे। मिश्रा ने कृषि कानूनों और किसान आंदोलन को लेकर भी बयान दिया। निजी स्कूल फीस मामले में राजस्थान हाई कोर्ट ने अपना फैसला सुना दिया है। चीफ जस्टिस इंद्रजीत महंती की खंडपीठ ने फैसला किया है, स्कूल अपनी फीस 28 अक्टूबर की सरकार की सिफारिशों के अनुसार ले सकेंगे।